हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो सबसे पहले तो वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ी अच्छी ना हो तो प्लीज़ डोंट माइंड। लॉकडाउन में इट्स नॉट पॉसिबल टू गो ऑफिस। सारा सेटअप हमारा यूट्यूब का वहीं पर है। तो जैसा कि हमने इंस्टाग्राम पे बताया था आपके को कि हम इस स्टार्टअप इंडिया की नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड होना है, और इफ़ यू आर ए कंपनी, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिए तो आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, हाउ टू गेट फंडिंग फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। एंड तो सबसे पहले आप मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी, आपका स्टार्टअप एलिजिबल है कि नहीं। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कोई भी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो सकता है। नहीं, पांच ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको पहले समझ लेना होगा इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योर कंपनी ऑन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। तो वो पांच क्या फैक्टर हैं अब वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाओ, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना है और उसके पहले ये पाँच जरूरी बातें। तो स्क्रीन पर तो आपको गूगल पर सिंपली टाइप करना है स्टार्टअप इंडिया। और जो सबसे पहला लिंक खुल के आएगा उसको आपको ओपन करना है। मैंने जैसा कि ओपन कर ही रखा है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे जाना है हाउ टू रिकॉग्नाइज पे, और ये पेज खुल के आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इज़ योर कंपनी अ स्टार्टअप, क्या आप एक स्टार्टअप हैं, तो क्या क्या वो क्राइटेरिया है जो फुलफिल करेंगे कि आप एक स्टार्टअप है कि नहीं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए, कंपनी का एज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका जो कंपनी है, जब भी आपने रजिस्टर कराया है, चाहे वो पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, कोई भी कंपनी हो, वो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपने स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन 2007 या 8 में कराया है तो वो स्टार्टअप इंडिया में आप एलिजिबल नहीं हो। तो मेक श्योर कि आपने आपकी जो कंपनी हो 2011, 12, 13, 18 या 19 में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। योर कंपनी शुड नॉट बी 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, और फिर दूसरा है कंपनी टाइप। अब ये एक अपने आप में अलग सा टॉपिक है, बट फिर भी आपकी कंपनी तीन एंटिटी की होनी चाहिए, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, या तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए, या तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाली कंपनी होनी चाहिए, LLP इसको कहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो ही लेके आएंगे, जिसमें हम डेडिकेटली बताएंगे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे कराना है, कैसे आप सबसे सस्ते से सस्ते रेट में कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं, और क्या नाम है, ये अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है। तो हम जरूर इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। फिर जो तीसरा है दोस्तों, एनुअल टर्नओवर। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो कंपनी है, आपने फॉर एग्जांपल 2016 में रजिस्टर कराया है और अब आप क्या नाम है 2020 में स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होना चाह रहे हैं, तो इन चार सालों में, 16 से लेके 20 में, 4 या 5 सालों में आपकी कंपनी कभी भी 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर ना की हो, चाहे वो 2016 हो या 20 हो, 100 करोड़ से ज़्यादा अगर आप कभी भी टर्नओवर किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टार्टअप इंडिया। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओरिजिनल एंटिटी। आपकी कंपनी कोई, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहले कोई काम कर रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग का आप काम कर रहे थे, फिर उसको स्प्लिट कर दिया, मर्ज कर दिया, डीमर्ज कर दिया, यू नो पार्टनरशिप बना ली किसी के साथ, कोई नई एंटिटी खड़ी कर दी पुरानी वाली को तोड़ के, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका स्टार्टअप एक फ्रेश स्टार्टअप होना चाहिए। ठीक है, मेक श्योर। और चौथा क्या है, इनोवेशन एंड स्केलेबल, सॉरी पांचवा, इनोवेशन एंड स्केलेबल। तो आपका जो आइडिया वो कुछ नया होना चाहिए, वो मार्केट में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, सोसाइटी में वेल्थ जनरेट कर रहा हो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा हो, जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फूड टेक, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, ये सारे आपके टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं। तो मेक श्योर कि आप मतलब कुछ ऐसा नॉर्मल सा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा आइडिया पे आप काम कर रहे हैं जहाँ एक तरीके से वो बिजनेस है ना कि वो स्टार्टअप है, तो चांसेस कम है आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो। तो कोई नया या यूनिक आइडिया हो, पुरानी खुशी चीज़ को आप नए तरीके से कर रहे हैं, इनोवेटिव ढंग से कर रहे हैं, तो वो भी एक स्टार्टअप ही है। तो वापस से एक बार फिर से अगर मैं रिकैप करूँ तो बताऊँ कि आपकी फैसले, पहला कंपनी एज, आप 10 साल से पुरानी कंपनी आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपकी कंपनी तीन प्रकार की होनी चाहिए, जो कि होता है प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो परेशान मत होइए इन सारी चीज़ों के बारे में। तीसरा, आपका एनुअल टर्नओवर। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होगी। और जो चौथा, ओरिजिनल एंटिटी, ये भी आप सब क्वालिफाई कर जाएंगे। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एक नई स्टार्टअप ही है। और पांचवा, इनोवेशन और स्केलेबल। तो आज जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लगभग वो कुछ इनोवेटिव आइडिया को ही लेके आ रहे हैं। तो आई होप कि आप सब इसमें एलिजिबल हो, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर गाइस, और आपका कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ डू कमेंट इट। थैंक यू।